मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सालबाग इलाके में उमर कॉलोनी इलाके में भीषण आग लगने से एक रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को दरमियानी रात गांदरबल के उमर कॉलोनी सालबुक इलाके में स्थित एक रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई। रिहायशी मकान उमर कॉलोनी निवासी गुलाम अहमद खांडे के पुत्र मंजूर अहमद खांडे का है, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। उन्होंने कहा, घटना के तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। हालांकि आग लगने की घटना में एक घर क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसी बीच स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से प्रभावित परिवार को तत्काल राहत प्रदान कराने की अपील की है, क्योंकि परिवार गरीब है और उसके पास आय का कोई पर्याप्त स्रोत नहीं है। चालू वर्ष की पहली छमाही में कश्मीर घाटी में आग लगने की विभिन्न घटनाओं में 24 लोग मारे गए हैं। इन घटनाओं में 5 लोगों को चोटें भी आई हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के अनुसार इस साल जनवरी से जून तक आग लगने की विभिन्न घटनाओं में 956 ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसमें 160 दुकानें और 14 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं। इस दौरान आग लगने की घटनाओं में भी 20 वाहन और 73 बिजली के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। मेरा नाम बशीर अहमद गनाई है, मैं इसको नेबर हूँ। इधर मेरा नेक्स्ट डोर नेबर करता था कि मंजूर अहमद खांडे के घर में आग लगी है। क्या आग लगी है? फिर हम उठे, इधर आए, इधर सब कुछ देखा, कोई बात ही नहीं। जब फायर सर्विस आई, लेकिन फायर सर्विस लेट आई। फायर सर्विस का, फायर ब्रिगेड का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको रास्ते में रोड बंद था, तो इधर से लोग गए तो रास्ता साफ किया, तो फिर आई फायर सर्विस, तो फिर उसने नीचे बचाया। क्या नीचे बचाया? ये दरअसल मंजूर अहमद खांडे दर्जी का काम करता है। पूरा गाँव, हर कोई चाहता है कि इसी के हाथ से कपड़े सिलवाए। ऐसा एक्सपर्ट टेलर है ये, लेकिन पूरे गांवों के कपड़े इधर ही थे और लड़कियों की शादियां भी थी, वो सभी इधर जलकर खाकस्तर हो गया। क्या खाकस्तर हो गया? कुछ नहीं रहा। क्या कुछ नहीं रहा? उसकी घर की जो गृहस्थी है वो सब ऊपर ही होती है। क्या ऊपर ही होती है? नीचे से खाली दीवारें होती हैं। क्या दीवारें होती हैं? बाकी जो कुछ भी घर गृहस्थी है वो ऊपर ही होती है, वो सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। अब हम गुजारिश करते हैं कि इस वक्त जाड़े का मौसम है, जाड़े के मौसम में इस वक्त ऊपर आसमान है, नीचे ये हैं, खाली जो मलबूसात उनके पहने हुए हैं वही निकले हैं। क्या वही निकले हैं? अब हम आपकी वसात से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको फौरी तौर कुछ इमदाद हो जाए, जैसे ऊपर ये छत करे, कि ऊपर ये छत करे, ये जाड़े का मौसम गुजारे। मोहम्मद शाहबान खांडे, अर्ज यह है कि मंजूर अहमद खांडे को कल रात आग नमूदार हुआ इसके मकान से, जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ बेचारे को। ये दर्जी का काम करता था, इसको दुल्हा दुल्हन का जितना भी वहाँ था वो सब जल गया, से कुछ नहीं रहा। आप देख रहे हैं, आपने ये कैद भी किया होगा टीवी में, तो आपको सामने ही है। यही रहेगी, इसको भरपूर मदद कीजिए। ये बेचारा ईशुदारी मजदूर बिचोर ईशुन का यूत कह नारे मजदूर बिचारे अमे सो इत पे अत मशीन चलानस पे वन दो सो सोरे तो नूद मशीन तो नूद कहें वन अगर अमिस मदद ये कर सो गए सठा बेहतर यही अपील अद यप तप गमेंटस तमिस करो मदद युत क्या वंद वोल क्या वनक वंद जबरदस्त सर्दी है अमिस बाल बच्चे लक लकट बचिस तमें वाये थे रिलीफ थोड़ा। जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट।